हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। तो देखिए, एक्सरसाइज 2.4 करने से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो इसके अंदर है डेसिमल। डेसिमल क्या होते हैं ये देखिए, कोई भी अगर आपके पास होल नंबर है, जैसे हम अपनी मर्जी से कुछ भी लेते हैं, जैसे 2, 4, 3, 5, अगर मैंने ये डिजिट ली तो ये क्या है, भी होल नंबर है। लेकिन अगर इसी डिजिट में आपको कहीं पर भी पॉइंट दिख जाता है, जैसे मानो हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, ठीक है, तो किसी भी अगर नंबर में आपको पॉइंट दिख जाता है तो ये क्या होता है, हमारे डेसिमल होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, डेसिमल। और ये नंबर क्या हो जाएगा, हमारा डेसिमल नंबर कहलाएगा। अब देखिए, डेसिमल्स होते हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं। जैसे अब माने हमने कुछ भी डिजिट लिखी 4, 5.321। अब देखो, इसे रीड आउट भी कैसे करते हैं कि अगर कोई भी आपको नंबर है तो नंबर में आपके कहीं भी पॉइंट आ रहा है, तो पॉइंट से पहले वाली जो डिजिट होती है ना, जैसे 45 है, तो इस 45 को हम क्या बोलेंगे, होल नंबर। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, होल नंबर। होल नंबर बोल लो, या होल नंबर पार्ट, या तो आप ये बोल लीजिए, या और हम क्या बोल सकते हैं इसको, इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट, ठीक है, यानी 45 पॉइंट। अब इसको रीड भी कैसे करते हैं, देखो आगे अगर पॉइंट के आगे जितनी भी डिजिट है ना, उसको नॉर्मली रीड आउट करते हैं। जैसे ये 45 है, इसे हम बोलेंगे 45.321, यानी पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट होती है उसे हम सिंगल सिंगल काउंट करते हैं, ठीक है ना, सिंगल सिंगल रीड करते हैं। जैसे आगे तो हम डायरेक्ट बोलेंगे 45, फिर बोलेंगे हम 0.321, इसको 321 नहीं बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, 321, यानी पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट आएगी उसको आप एक एक करके रीड आउट करोगे, है ना। तो इसे हम कैसे रीड आउट करेंगे, 45.321। अब इसके 3 पार्ट जैसे मैंने बताया, तो आगे जो 45 है, तो 45 क्या होल नंबर है, तो होल नंबर है, इसलिए हम क्या लिख देंगे, होल नंबर पार्ट। या फिर आप इसे क्या बोल सकते हैं, होल नंबर पार्ट को इंटीग्रल पार्ट, यानी पॉइंट के आगे जितनी भी डिजिट है वो सब इंटीग्रल पार्ट कहलाएंगे या होल नंबर कहलाएंगे, आप कुछ भी बोल सकते हो, होल नंबर और इंटीग्रल पार्ट। इस अब ये जो पॉइंट है ना, आपको पॉइंट दिख रहा है, अब इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को देखो हम क्या बोलेंगे, डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट, ठीक है, तो जहां भी अगर आपको पॉइंट दिखेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, डेसिमल पॉइंट। अब डेसिमल पॉइंट के बाद ये जितने भी डिजिट हैं, जैसे क्या है, 3, 2, 1, तो इस डिजिट को, ये जितने भी इसके बाद जितने भी पार्ट आ रहे हैं ना, इसको हम क्या बोलेंगे, डेसिमल पार्ट, क्योंकि डेसिमल के बाद में आ रहे हैं ना, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, डेसिमल पार्ट। तो देखिए, मैंने आपको बताया था ये क्या है, हमारा डेसिमल नंबर है, इसमें 3 पार्ट है, पॉइंट के आगे वाले को हम क्या बोलेंगे, होल नंबर और इंटीग्रल पार्ट। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, डेसिमल पॉइंट। इस पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट आ रही है उसको सबको हम क्या बोलेंगे, डेसिमल पार्ट। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में पूछ ले इसका डेसिमल पार्ट क्या है, इसका डेसिमल पॉइंट क्या है, इसका इंटीग्रल पार्ट क्या है, तो आप इसे इजीली बता पाओगे। तो ये तो इसका हो जाएगा बेसिक चीज़ हो गई, ठीक है। इसके बाद आता है डेसिमल के अंदर आपके की प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होती है हमारी। तो डेसिमल के अंदर जैसे हमने डेसिमल लिखा ना, तो इसको एक्सटेंड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो देखिए प्लेस वैल्यू चार्ट। अब प्लेस वैल्यू चार्ट हम बनाते हैं। अब देखो जैसे हमने क्या बनाया, प्लेस वैल्यू चार्ट, तो इसके अंदर देखिए हम इसे इस तरीके से बनाएंगे, जहाँ पर ये पॉइंट है ना, तो ये तो क्या हो जाएगा, हमारा डेसिमल पॉइंट। अब इसके इधर की तरफ और इधर की तरफ, है ना, तो ये जैसे देखो ये डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल के बाद जो फर्स्ट वाली डिजिट है ना, ये इसे हम क्या बोलते हैं, 1, फिर इसे क्या बोलेंगे हम, 10, फिर इसके आगे अगर मानो कोई और डिजिट होती, जैसे हमने लिख देते हैं यहाँ पे, इसको हमने लिख दिया 7, ठीक है ना, अगर हम ऐसे लिख देते हैं तो अभी कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 745, ये तो हमारा होल नंबर हो जाएगा। और इसे रीड आउट कैसे करोगे आप, कि जैसे ये कितना है, 1, 10, 100, तो 100 है तो 700, ये कितना आ जाएगा अपना 45, ऐसे पढ़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा अपना 1, तो देखो 1 ये डेसिमल पॉइंट हो गया, तो डेसिमल पॉइंट लिखा, फिर इसके बाद हम इधर की तरफ चलेंगे तो 1, 10, 100 आ जाता है, ठीक है, उसके आगे चलेंगे तो 1000 आ जाता है, लेकिन अभी आपके 100 तक है तो 100 तक देख लो, ये डेसिमल पॉइंट 1, 10, 100, ठीक है। तो डेसिमल पॉइंट को तो हम कैसे लिखते हैं, ऐसे इसे शो करते हैं, इसके बाद 1 को हम 1 लिखेंगे, 10 को
10 और 100 आपका ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो देखो जैसे ये 1 यानी 5 × 1 4 × 10 40 हो जाएगा, 7 × 100 700, और जब हम इन सबको प्लस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 745। तो ये इनकी प्लेस वैल्यू है। तो डेसिमल, फिर 1, फिर 10, फिर 100। अब देखो ये तो पॉइंट की इधर की तरफ का हो गया, अब पॉइंट की इधर की तरफ चलते हैं हम, ठीक है, आरएचएस की तरफ। तो यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे टेंथ। देखो ये 10 है, ये 10th है, THS लग रहा है इसमें। 1 जैसे इसके पहले तो 1 आता है, फिर 10, फिर 100। यहाँ पर जस्ट क्या है, पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद क्या आएगा, 10th, फिर 100th, फिर 1000th। तो देखो 10th को कैसे लिखते हैं, 10th यानी कि 1/10। देखो THS 10 है तो सिर्फ 10, 10th में THS 10th तो कितना जाएगा 1/10। इसी तरह 100th तो क्या हो जाएगा 1/100, 1000th तो क्या जाएगा 1/1000, इस तरीके से। तो ये आपको याद रखना है, एक दो बार लिखोगे आपको ये अच्छे से लर्न हो जाएगा। तो अब देखो जैसे अगर आपको बोलें कि अब जैसे मैंने ये डिजिट ली 745.321 ये है। अब अगर आपको बोलते हैं इसके अंदर कि आपको बताना है टेंथ, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं आपको टेंथ प्लेस बताओ, टेंथ प्लेस किसकी है, तो देखो टेंथ पर क्या है, पॉइंट, पॉइंट क्या है, टेंथ ये है ना, टेंथ पर क्या है हमारे 3 है, तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको 3/10। 3/10 कैसा है अपना, 3 ये पॉइंट इंटू 1/10, क्योंकि टेंथ पोजिशन पर है, टेंथ पोजिशन में क्या है 1/10, तो 1/10 करेंगे, और 3 लिख रहा है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 3/10। इसी तरीके से अगर हम 100th की बात करें तो कितना है, 2 है, 2 है, तो फिर हम कैसे लिख सकते हैं इसको, ये 2 है ना, तो अपना कितना हो जाएगा, ये कितना लिखेंगे अपन 32 बाय कितना जाएगा अपना 100, तो कितना हो जाएगा 32/100। या फिर आप इसको भी सिंपल बाद में प्लस कर लेना, और इसी तरीके ये कि हम सिर्फ हम 2 की बात कर रहे हैं ना 100 की, तो 2 किस पोजीशन, ये कितनी पोजीशन पर है, 10th पोजीशन पर है, ये 100th पोजीशन पर है, तो कितना है 2 इंटू 100th को कैसे लिख सकते हैं अपन 1/100, तो कितना जाएगा 2/100। इसी तरह से 1000th पर कितना है, तो यहाँ पे 1 है अपना, इंटू 1000 पर कितना लिखते हैं 1/1000, तो कितना जाएगा 1/1000 हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या लिख सकते हो, प्लेस वैल्यू लिख सकते हो। अब ये तो THS की बात हो गई है ना, लेकिन अगर आपको बोलते हैं कि आपको जैसे इसकी पूछे आपको 10th की वैल्यू बताओ आप, तो 10th की अगर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 की है, 10th की है, तो 10th की कितनी चाहिए, 4 × 10 40 हो जाएगा। इसी तरह से 100th की कितनी है जी, 100 7 पर है, तो 7 × 100 तो कितना हो जाएगा 700। और 1 की पूछेंगे तो क्या आप लिखोगे, आप 5 × 1 5। अब इन सबको ऐड अगर आप करते हो तो कितना जाएगा 745, ये डिजिट आ गई ना, तो इसलिए हम इसको कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। तो आपको अच्छे से याद आ जाएगा, ये देखो डेसिमल है, डेसिमल ये पॉइंट लग रहा है तो इसे डेसिमल पॉइंट बोलेंगे, इसके बाद की जितना भी पार्ट है इसको अपन क्या बोलते हैं, डेसिमल पार्ट। इस पॉइंट के आगे की तरफ लेफ्ट हैंड साइड जितना पार्ट है इसे हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रल पार्ट, या फिर हम इसे बोलेंगे होल नंबर। तो ये डेसिमल पॉइंट के बाद हमारा होता है 1, 10, 100। डेसिमल के बाद की तरफ ये हमारा होता है डायरेक्ट 10th, 100th और फिर 1000। तो आपको ये चीज़ लिखनी आनी चाहिए। इसके बाद है कि अगर आपको एक्सटेंड करना है कि जैसे मैंने ये आपको लिखना आ गया, अब अगर हम इसी क्वेश्चन को बोल दें कि आपको इसकी वैल्यू को क्या करना है, एक्सटेंड करना है, तो एक्सटेंड जब भी आपके करने को आ जाए, जैसे इसी का अगला पॉइंट है आपके कि एक्सटेंड फ्रॉम अ डेसिमल, तो अगर हम इसको यहाँ पे एक्सटेंड करते हैं तो हम एक्सपेंडेड कर दिया हमने, एक्सपेंडेड मतलब उसको हमने एक्सटेंड कर दिया, तो ये कौन सी फॉर्म होगी हमारी, एक्सपेंडेड फॉर्म। देखो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगी अब हमारी, जैसे हमने अलग अलग लिख लिया ये सारा है ना, इसको किस तरीके से लिखते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इन सबको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले जैसे हमारा 7 है तो हम कैसे लिखेंगे 7 को, 7 × 100 कितना गया था 700, फिर प्लस, अब 4 था, 4 × 10 कितना था 40, तो 40 लिख देंगे, प्लस 5 × 1 कितना है 5 लिख दिया। इसके बाद अब डेसिमल था तो हम डायरेक्ट प्लस लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद 3 है
किस पर है, 3/10, 3 × 10 था, कितना गया 3/10, तो हम क्या लिखेंगे 3/10 प्लस, अब इसके बाद 2/100 कैसे था, 2 × 1/100 कितना जाएगा 2/100, तो 2/100 और ये प्लस का साइन, और इसके बाद कितना जाएगा अपना देखो 1/ कितना जाएगा 1000। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये हमने क्या लिखा, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई हमारी, एक्सपेंडेड फॉर्म है किसकी, 745.321 इसकी। तो जब भी अगर आप एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने को बोलें तो आप इस तरह से लिख पाओगे। अब देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको दूसरे तरीके से लिखने का तरीका क्या है, एक और कि आप क्या लिखोगे, देखो 700 + 40 + 5 + अब देखो जैसे हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम डेसिमल पॉइंट में अगर आपको लिखना हो डेसिमल फॉर्म में, ये यहाँ तक लिखोगे ना तब भी सही है। और इसको दूसरा तरीका देखो, 3/10 है, तो जब किसी डिजिट के नीचे अगर 10 है ना, तो ये 10 जब डिवाइड होगा तो कितना बन जाएगा अपना 0.3, इस तरीके से बन जाएगा। अब इसके बाद देखो, अब इसे 0.3 है ना, तो इसके आगे 0 लगा दोगे तो 0.3 प्लस, अब यहाँ पर कितना है 0 लिख के पॉइंट लगाएंगे, अब देखो 2 है और यहाँ पे नीचे कितने 0 है, 20 है ना, 100 है, तो हम क्या लिखेंगे एक डिजिट फिर एक और उसके आगे फिर पॉइंट, यानी कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पे एक डिजिट है तो एक दो डिजिट लिखेंगे और एक 0 लगा देंगे फिर उसके आगे पॉइंट, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद है प्लस, अब देखो 1000 है तो पहले 1 लिखो, अब नीचे कितने 0 है, 1, 2, 3, तो पहले 1, 2, फिर 3 और फिर यहाँ पे क्या लग जाएगा पॉइंट और 0, तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आपको एक्सपेंडेड फॉर्म बोलें तो आप दोनों में से कोई सी भी लिख सकते हो, आप चाहो तो ऐसे लिखो आप चाहो तो ऐसे लिखोगे। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा कंपेयरिंग डेसिमल, यानी आपको कोई भी डेसिमल पॉइंट दे दी, जैसे हमने लिया 3, 2.1 एंड 4.2, अब हमें क्या करना है इनको कंपेयर करना है। तो देखो अभी ये क्या है हमारे, जैसे मानो इसको हम एक और लिख देते हैं 4.22, अब देखो ये दोनों डेसिमल में है लेकिन ये दोनों लाइक है क्या, ये दोनों लाइक डेसिमल नहीं है, ये दोनों क्या हमारे अनलाइक डेसिमल। तो देखो लाइक डेसिमल अनलाइक डेसिमल क्या होता है, सबसे पहले देखो लाइक डेसिमल हमारे क्या होता है कि ऐसे डेसिमल जिसके बाद पॉइंट के बाद इक्वल इक्वल आए, जैसे हमने लिया 4.2, 5.1, 7.3 कुछ भी, यानी पॉइंट के बाद कितनी है सिर्फ एक एक डिजिट आ रही है, तो ये क्या है हमारा लाइक डेसिमल। अनलाइक डेसिमल क्या होता है हमारा, अनलाइक डेसिमल, देखो अनलाइक डेसिमल में क्या होते हैं, आपको कुछ भी दे देंगे जैसे 4.21 फिर है 4.3 इसके 3.01 इसके 7.2 कुछ भी दे दिया, तो अब देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद यहाँ तो कितनी डिजिट है हमारे 2 डिजिट है, यहाँ पर 3 डिजिट है और यहाँ पर 1 डिजिट है, तो इक्वल नहीं है ना, तो जब पॉइंट के बाद इक्वल इक्वल डिजिट नहीं आती, अब इक्वल का मतलब ऐसे नहीं जैसे यहाँ पे 21 है तो यहाँ भी 21 होना चाहिए, नहीं काउंटिंग में जैसे ये 1, 2 डिजिट है ना, तो यहाँ पे 1, 2, 3 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है, तो पॉइंट के बाद इक्वल डिजिट आनी चाहिए, यहाँ नहीं आ रही है तो ये अनलाइक डेसिमल है, जबकि यहाँ पर पॉइंट के बाद 1, 1, 1 आ रहा है, इक्वल इक्वल डिजिट आ रही है, तो ये क्या है लाइक डेसिमल। तो जब भी हम कंपेयर करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, अनलाइक डेसिमल भी मिल सकते हैं लाइक डेसिमल भी मिल सकते हैं, लेकिन अगर अनलाइक डेसिमल मिलते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनको लाइक डेसिमल में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो कैसे करते हैं कि जैसे ये है तो सबसे पहले हम वो देखते हैं कि पॉइंट के बाद ज़्यादा डिजिट किस में है, तो देखो इसमें है ना पॉइंट के बाद 1, 2, 3, तो हम क्या लिखेंगे 4.301 ये, इसके बाद अब सेकेंड कितना है 7, ये 4.21 है, तो हम क्या लिखेंगे 4.21, अब देखो एक डिजिट कम है ना इसमें तो आप 0 लगा दोगे जिससे क्या हो जाएगा ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब इसके बाद 7.2 है, अब यहाँ पर 3 डिजिट हो गई, ये तो 1 ही है, तो उसके पीछे कितने लगा दोगे आप 2 ज़ीरोज़ लगा दोगे, तो अब ये कितने हो जाएंगे हमारे पॉइंट के बाद तीनों में कितने हैं 3 डिजिट है ना, तो अब ये सारी की सारी हमारी क्या बन जाएगी लाइक डेसिमल। तो अनलाइक डेसिमल को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया लाइक डेसिमल में, यानी आपको क्या करना है सिंपली अनलाइक डेसिमल से लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको पॉइंट के बाद जितने डिजिट कम पड़ रहे हैं उतने 0 लगा देना है, तो ये क्या बन जाएगा अपना लाइक डेसिमल। तो अब देखो जैसे ये अपन को क्वेश्चन दे रखा है 32.1 एंड
4.22, इन दोनों को कंपेयर करना है। तो हमने क्या लिखा, सबसे पहले तो इनको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करो, ये 32.1 और ये कितना है अपना यहाँ पे 4.22, तो यहाँ पे टू डिजिट है, यहाँ पे तो पॉइंट के बाद वन डिजिट है, तो हम क्या लगा देंगे, एक जीरो लगा देंगे। अब ये दोनों क्या हो गए, हमारे लाइक डेसिमल हो गए। अब हमें कंपेयर करना है कि विच डिजिट इज ग्रेटर देन, तो देखो यहाँ पर कितना है, पॉइंट के आगे की डिजिट काउंट करेंगे सबसे पहले, उसको कंपेयर करेंगे। तो पॉइंट के आगे यहाँ पे कितना है 32 और यहाँ पे पॉइंट के आगे कितना है 4, तो 4 ज़्यादा है 32 ज़्यादा है, हमें पता है 32 ज़्यादा है, तो कितना जाएगा, ये आ जाएगा, है ना। इसी तरीके से नेक्स्ट है, अगर आपको लिख दें 345.6 और यहाँ पे लिख देंगे 325.3। अब देखो ऐसे है, अब यहाँ पर क्या है, दोनों लाइक डेसिमल है क्योंकि पॉइंट के बाद वन डिजिट, तो अब हमें कंपेयर करना है, तो हम कैसे करेंगे, देखो 3 इक्वल है, अब यहाँ पे 4 आ गया ना, यहाँ पे कितना है सेकंड पोजीशन पे 4 और यहाँ पर कितना है 2, तो 4 ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, ठीक है ना, ये ज़्यादा है, तो हम क्या साइन लगा देंगे, ये वाला, तो कितना जगह 345.6 इज़ ग्रेटर देन 325.3, इस तरीके से हो जाएगा। तो आप इस तरीके से कंपेयर कर पाओगे, और इसी तरीके से जब हमने दो डिजिट को कंपेयर किया, तो इस तरीके से ज़्यादा डिजिट को भी कंपेयर करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डिजिट को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम उसको लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है, हमको क्या करना है, एडिंग डेसिमल। तो एडिंग डेसिमल क्या होता है कि आपको कुछ डेसिमल पॉइंट मिलेंगे जिनको आपको ऐड करना है, जैसे हमने लिया 3.21, 4.3, 7.512, अब हमने ये ले लिया, अब हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो ऐड कैसे करोगे, सबसे पहले तो आपने देखा ये अनलाइक क्या है, अनलाइक डेसिमल है, तो इनको क्या करना पड़ेगा, लाइक डेसिमल में। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा है इसको लिखो 7.512, अब इसको कन्वर्ट करोगे तो देखो 3 पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, है ना, पॉइंट इधर उधर नहीं होना चाहिए, जैसे आपने 3 यहाँ लिख दिया पॉइंट यहाँ लगा दिया, ऐसे नहीं, पहले आपने एक डिजिट लिखी 7 के नीचे 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर 2 और 1, अब यहाँ पर कुछ नहीं है ना, एक डिजिट कम है, तो हम क्या लगा देंगे 0, अब कितना है 4, तो 4.3, अब इसके आगे क्या लगा देंगे 20, तो अभी सब क्या बन गए, हमारे लाइक डेसिमल बन गए। अब हम इनको क्या कर देंगे, ऐड, तो देखो ये कितना हो जाएगा 2, 1 और 1 2 हो जाएंगे, और अभी कितना हो जाएंगे 5 और 5 10, अब ये पॉइंट है ना, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट मतलब डेसिमल, ये हो जाएगा 10 कैरी 1, 10 और 5 15, तो ये आपके आंसर आ जाएगा 15.022, ये आपके आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको मानो किसी भी डेसिमल का आपको सब्सट्रैक्शन करना है, तो सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, देखो सब्सट्रैक्टिंग डेसिमल, इसे कैसे करेंगे, अब इसमें भी अपन जैसे अपनी मर्जी से ले लेते हैं कुछ भी, 10.431 एंड 7.21। अब हमें क्या करना है, इनको सब्सट्रैक्ट करना है, तो सबसे पहले लास्ट डिजिट को ऊपर लिखेंगे, लिख लिया, उसके बाद देखो 7 है 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट, अब ऐसा नहीं 7 को 1 के नीचे लिख दो, देखो ऐसे टू डिजिट है ना, तो 0 के नीचे आएगा, अब यहाँ पे 1 डिजिट है तो ये यहाँ पर आएगा, ऐसे नहीं लिख सकते अपन कि यहाँ 7 और यहाँ 0, तो वो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, ठीक है, तो 7 और 70 में अंतर होता है, इसलिए क्या लिखेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल, पहले लिख देंगे हम 10.431, फिर 7.21, अब यहाँ पर नहीं है तो हम क्या लगा देंगे 0, माइनस कर देंगे, तो देखो 1 में से 0 गए तो क्या बचेगा अपना यहाँ पे 1, 1 में से कुछ गया तो क्या बचा 1, अब 3 में से 1 गए तो 2, 4 में से 2 गए तो 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट, अब ये 0 में से 7 नहीं जाएंगे तो कैरी ले लेंगे, था 10 हो जाएगा, 10 - 7 = 3, तो कितना जाएगा 3.221, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डेसिमल नंबर को सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हो, उनको ऐड भी कर सकते हो, बस आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल चलना चाहिए, ठीक है ना, डेसिमल को इधर उधर नहीं करना है आपको, और डिजिट के नीचे डिजिट होनी चाहिए, जिस डिजिट के नीचे वो डिजिट, अगर आपको लाइक में करना है तो जितने डिजिट आपके कम हो रही है उसमें हम क्या लगा देंगे, उतने जीरो लगा के उसको हम लाइक फ्रैक्शन लाइक डेसिमल के अंदर उसको कन्वर्ट कर देंगे।
देखिए एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना, राइट द डेसिमल इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब आपको ये क्वेश्चन दे दिया ए, अब देखो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। सबसे इजी तरीके क्या है, सबसे आगे ये है ना 223, तो देखो ये डेसिमल पॉइंट है तो हम क्या लिखेंगे इसको, ये तो कितना हो गया हमारा 1 और ये हमारे किस पोजिशन पर है, 10 पोजिशन पर। तो 2 कितनी पोजिशन पर है, 10 पोजिशन पर है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस 3 किस पोजिशन पर है, 1 पोजिशन पर है, तो 1। फिर प्लस, अब देखो डेसिमल आ गया ना, डेसिमल के बाद अब ये कितना है अपना 10th पोजिशन पर है, तो 10th पोजिशन पर है तो 1 इंटू 1 बाय 10 हो जाएगा। फिर प्लस, अब 2 कितनी पर है, 100 पोजिशन पर है, तो क्या लिखेंगे हम 2 इंटू 1 बाय 100। प्लस अब 7 कितनी पर है, 1000 पोजिशन पर है, तब हम क्या लिखेंगे 7 इंटू 1 अपॉन 1000। इस तरीके से अब देखो इसको सिंपली इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 20 प्लस 3 प्लस 1 बाय 10 प्लस 2 बाय 100 प्लस 7 बाय 1000, तो ये आपके आंसर आ जाएगा। यहीं पर समझ में, अब देखो इसको ये हमको लिखना आना चाहिए, इस तरीके के बाद ये आता है, लेकिन इसके बाद डायरेक्ट हम ये भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो इसका इजी तरीका क्या है कि अब आप क्या करोगे, जैसे पॉइंट है ना, इस पॉइंट के बाद सबसे फर्स्ट वाली डिजिट ये लिए हमने, इसके बाद पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 है, 2 के यहाँ पे कितने डिजिट है, 1 है ना, फिर पॉइंट आ गया, तो इसके अंदर अपन सिर्फ ये देखेंगे 2 के बाद अगर एक डिजिट है तो 10 आ जाएगा। प्लस अब 3 के बाद कोई नहीं है यहाँ पे, पॉइंट आ जाएगा, तो सिंपल 3 लिख देंगे। फिर प्लस, अब जैसे 1 है तो फर्स्ट पोजिशन पर है ना, यहाँ पर 10th पोजिशन पर, तो अपॉन 10 कर दो। अब 2 कितने पर, 100th पोजिशन पर है, तो अपन क्या लिखेंगे, 2 अपॉन 100 का डिवीजन कर देंगे। अब 700 पोजीशन पर है, 1000 पोजीशन पर है, तो 7 अपॉन 1000 कर देंगे। तो इससे अपन डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी आपकी स्टार्टिंग है, आपको पहले इस तरीके से लिखना है, उसके बाद आप इस तरीके से लिखोगे। तो इसकी बी सी और डी ये आप करना है इसको। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपको क्या करना है, कंपेयर करना है, कंपेयर द फॉलोइंग डेसिमल्स। अब आपको इसमें कंपेयर करना है, तो देखो कंपेयर हम कैसे करते हैं, जैसे हमारा ए है 72.003, बॉक्स है, फिर कितना है 72.035। अब देखो अब हमको इनको कंपेयर करना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो इसको रफ में करते हैं अपन। हमने क्या लिखा 72.003, यहाँ पे कितना 72.035 ऐसे लिखा हुआ है। तो अब देखो 72 इक्वल पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया, फिर 0 इक्वल, 0 इक्वल, फिर उसके बाद अब यहाँ पर कितना है अपना 100 पर 0 है, और यहाँ 100 पर कितना है अपना 3, तो ये ज़्यादा है ना, तो क्या जाएगा साइन, ऐसा साइन आ जाएगा। यानी हमें एक एक डिजिट कंपेयर करनी है, डेसिमल की पहली वाली और डेसिमल की बाद वाली, तो ये साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या साइन लगा देंगे, हम ये वाला साइन लगा देंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट है अपना बी, आपको दे रखा है 0.415 और फिर है आपका 0.4। तो अब इसे आप कैसे कंपेयर करोगे, देखो अब इसको भी अपन रफ में करते हैं, ये सब रफ है। अभी कितना है 0.415, तो देखो 0 इक्वल पॉइंट, तो पॉइंट, फिर 4 की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ भी 4 इक्वल है। अब इसके बाद यहाँ तो कितना आ गया अपना 1 आ गया, लेकिन यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो अभी क्यों नहीं है, क्योंकि देखो ये दोनों क्या है, यहाँ पॉइंट के 3 डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के 1 डिजिट है, तो ये अनलाइक डेसिमल है ये, है ना। तो ये जब ये अनलाइक डेसिमल है तो हम उनको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो ये पॉइंट के 3 डिजिट है ना, 1 2 3, तो पॉइंट के बाद ये 1 2 और 3, 0 लगा के हम क्या करते हैं, इक्वल कर देते हैं, हो गया। अब देखो यहाँ पे 10th पोजीशन पे तो 4 है, 100th पोजीशन पर क्या है, यहाँ 1 है, और यहाँ पे 100th पोजीशन पर क्या है, 0 है। तो अब बताओ 1 इज ग्रेटर देन और 0 इज ग्रेटर देन, हमें पता है 1 ग्रेटर देन, तो आपके क्या जाएगा साइन, ये वाला। अब इसी को हमें यहाँ पे कर देना है, तो साइन क्या जाएगा अपना, ये आ जाएगा, है ना। तो ये कितना है 0.415 इज ग्रेटर देन 0.4,
तो इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर सी डी और ये दोनों सी और डी आपको होमवर्क में करने, सी एंड डी किसमें करने हैं आपको, होमवर्क के अंदर करने। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री, कन्वर्ट द गिवन डेसिमल टू फ्रैक्शन और मिक्स्ड नंबर। अब आपको ये डिजिट दे रखी है डेसिमल डिजिट, आपको उसे क्या करना है डेसिमल से फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं अपन, जैसे हमने लिखा 0.625 ये लिख रखा है। अब देखो यहाँ पर हम लगाएंगे अपॉन, ये अगर जीरो हटेगा तो इस जीरो के बाद हम यहाँ पे कितने डिजिट है, 1 2 3, थ्री डिजिट है ना, तो हम क्या करेंगे 1 1 2 3 क्या कर देंगे, हम 1000 का डिवीजन कर देंगे। यानी आपको क्या करना है पॉइंट हटाओ, पॉइंट के जितनी डिजिट हैं उतने नीचे जीरो आ जाते हैं वन लगा के, है ना। तो वन और पॉइंट के थ्री डिजिट है ना, 1 2 3, तो कितने जीरो आ जाएंगे अपने, 1 2 3 ये हो जाएगा। तो हमारे अब ये पॉइंट हट गया, तब क्या हो जाएगा 625 अपॉन 1 2 3 1000, ये तो ये आपके क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जैसे हमें क्या करना है मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना है, तो मिक्स में करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले कट करेंगे, तो कट करके फिर आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे ये आंसर आया हमारे, अब हम क्या लिखेंगे, इसे हमने लिया 625 अपॉन 1000। अब देखो अब हमें क्या करना है, हमें ऐसे डिजिट से कट करना है इनको, सिंप्लीफाई करना है इसको। तो एक ऐसा नंबर लेंगे जिससे क्या हो जाएगा दोनों जगह वो क्या हो, दोनों डिजिट यानी कि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों ही उससे क्या होना चाहिए, डिवीजन होना चाहिए। हमें ऐसा नंबर लेना है, तो 5 अगर हम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे 1, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, ये 5 2 ज़ा 10 और ये दोनों 0। फिर इसी तरह से अगेन 5 से करोगे तो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20 और 0। फिर वापस से अगर आप करते हो तो 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40, तो अब अपने पास कितना आ जाएगा 5/8, ये आपके आंसर हो जाएगा। तो देखो ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, आप यहाँ तक लिखोगे तब भी ठीक है, इसको आप सिंपलीफाई करके आंसर ये लिख के आते हो तब भी ठीक है। अगर मार्क्स ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है ये, तो आप इसको सिंपलीफाई भी करोगे, लेकिन अगर ये ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है तो आप यहाँ तक भी छोड़ोगे तब भी चल जाएगा। बस आपको ये याद रखना है कि अगर ज़्यादा मार्क्स का आता है तो उसको डिटेल में करो, आप जितना सॉल्व हो सकता है उतना क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, लेकिन अगर क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का नहीं है आपका, कम ही मार्क्स का है, तो फिर अब आप क्या करोगे कि जितना है कि फटाफट उसका आंसर निकल जाए, तो उसमें इतना लेंथी करने की ज़रूरत नहीं, बस वो मार्क्स को देख के आपको क्वेश्चन करना है। ज़्यादा मार्क्स का है तो डिटेल में कर दो, जहाँ तक सॉल्व हो रहा है वहाँ तक सॉल्व कर दो, अदरवाइज सिंपल कर दो। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, इसका बी सी और डी आपको होमवर्क में करना है। तो आज की क्लास अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे।